नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, और वो है नींबू के क्या क्या प्रयोग हैं, नींबू का हमारे जीवन में कैसे उपयोग हो सकता है। कुछ ऐसे छोटे छोटे उसके उपयोग हम बताएंगे जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। तो मित्रों, हम आपके लिए बहुत सटीक और बहुत सही जानकारी लेकर के लिए आए हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, नींबू लेमन, इसका प्रयोग प्रत्येक घर में होता है, और आजकल बाजार में प्रत्येक मौसम में इसकी उपलब्धता भरपूर बनी रहती है। आपको हर मौसम में अलग-अलग भाव पर ये नींबू मिल जाता है। कई सारे नींबू की वैरायटीज आपको बाजार में मिल जाती है। बहुत सारे नींबू तो बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, वो अलग ही उनका उपयोग होता है। छोटे नींबू आते हैं, कागजी नींबू भी एक प्रचलित जो है इसकी किस्म है। मित्रों, नींबू पानी हम लोग जीवन में कई बार पीते हैं, लेकिन क्या कभी हम ये सोच पाते हैं कि एक छोटा सा नींबू हमारे को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। कई सारे ऐसे स्वास्थ्य लाभ हैं, आइए हम उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। मित्रों, नींबू जो है विटामिन सी का एक रिच सोर्स है। बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, जो कि नींबू में पाया जाता है। हम जब नींबू पानी पीते हैं तो एक एनर्जी मिलती है, एक स्फूर्ति आ जाती है शरीर में, और रोगों से मुक्ति मिलती है। तो एक इसको हम एनर्जी ड्रिंक भी कह सकते हैं। इसके अंदर साइट्रिक एसिड, जो साइट्रिक अम्ल होता है, वो प्रचुर मात्रा में इसमें होता है। पोटेशियम होता है, आयरन का एक अच्छा सोर्स है, सोडियम होता है, विटामिन ए इसमें पाया जाता है, और बी भी इसमें अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इम्यूनिटी के लिए देखा जाए तो विटामिन सी हमारे लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होता है, और जो कि इस नींबू में पाया जाता है। नींबू लगभग एक नींबू पूरे दिन भर की हमारी जो विटामिन सी की जो शरीर में आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर देता है। पूरे दिन भर की विटामिन सी की आवश्यकता इससे पूरी हो जाती है। फिर इसके कई सारे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे समय के साथ साथ, जो विषैले तत्व शरीर में, लीवर में, किडनी में, आंतों में जमा होते रहते हैं, उनको ये क्लीन करने का काम कर देता है। इसके कुछ स्वास्थ्य लाभ, विशेष स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कि जिन लोगों को पसीने की बहुत बदबू आती है, मुंह से दुर्गंध आना, पसीने की बदबू आना, वो लोग क्या करें, जब वो लोग नहाते हैं तो नहाने के पानी में, बाल्टी में आप एक नींबू का रस डाल दीजिए, और उसको अच्छे से मिक्स करके फिर आप उससे नहाइए। इससे आप देखिए धीरे धीरे आपके शरीर में पसीने की दुर्गंध आना दूर हो जाएगी। आपके जो शरीर के जो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो रोम बाल जहाँ से निकलते हैं, उनमें गंदगी फंसी होती है, उसको अच्छे से क्लीन कर देगा ये नींबू का पानी जिससे आप नहाते हैं। फिर गर्मी के दिनों में जो बहुत गर्म हवा आती है, लू के थपेड़ों से बचने के लिए इसका बहुत उपयोग किया जाता है। नींबू पानी में आप थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए, चाहें तो आप थोड़ा पुदीना भी डाल सकते हैं। लू से बचने के लिए, जो सन स्ट्रोक लग जाते हैं गर्मी में, जो सूर्य की जो तेज किरणें होती है, टेम्परेचर बहुत ऊंचा होता है, उस समय नींबू पानी पीजिए आप। उसमें थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा पुदीना भी आप टेस्ट के लिए मिला सकते हैं, इससे आपको लू से बचाव हो जाएगा। जिन माताओं बहनों को या जिन युवाओं को चेहरे की क्लीनिंग करनी है, अपने चेहरे को यहाँ से और नाक के आसपास जो ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, जो काले काले डॉट आ जाते हैं, उनकी क्लीनिंग करने के लिए आप जो है इस नींबू को यहाँ पर हल्का हल्का मसाज कर सकते हैं, या फिर नींबू के रस में थोड़ा सा आप शहद मिला करके भी आप इस तरह से उसको चेहरे की क्लीनिंग करते हैं, तो चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी नींबू का बहुत अच्छा उपयोग होता है। फिर पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। भूख बहुत अच्छी लगती है। जब भी आप खाने के लिए बैठते हैं, आप देखिए कि जैसे ही आप भोजन कर रहे हैं और आपको पता चले कि
साथ में नींबू का अचार भी है, तो फिर आपकी मतलब ये बात सुनते ही आपके शरीर में पाचक रस बनना शुरू हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। तो मित्रों, नींबू का सेवन आप करिए, भूख बढ़ाने में इसका अच्छा उपयोग है। फिर जिनको कॉमन कोल्ड कफ कोल्ड रहता है, जिस नॉर्मल सर्दी जुकाम रहता है जिनको, वो लोग क्या करें कि गुनगुने पानी में, जिसको आसानी से पिया जा सके, थोड़ा सा अच्छा गुनगुना होना चाहिए, उस पानी में आप एक नींबू को निचोड़ लीजिए और उसमें जो है आप चाहें तो थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप जब उसको सिप सिप करते करते चाय की तरह पियेंगे, धीरे धीरे पीना है आपको उसको, तो उससे जो है आपको सर्दी जुकाम जो कॉमन कोल्ड हो जाता है, आपको कई बार बलगम हो जाता है, कफ हो जाता है, गले में खराश आने लग जाती है, तो उसमें यह फायदा करेगा। लीवर का एक अच्छा दोस्त है नींबू। जैसे ही आप नींबू पानी पीते हैं तो लीवर के आसपास जो फैट जमा होती है, जो ऑयल जो जमा हो जाता है, चिकनाई जमा हो जाती है, उसको साफ कर देता है। जैसे बर्तन की चिकनाई साफ हो जाती है, वैसे ही नींबू आपके लीवर की चिकनाई, फैट को साफ करता है, उसको क्लीन कर देता है। वैसे देखा जाए तो जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, शरीर के जो प्रमुख जोड़ होते हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह से दर्द होता है, उनको नींबू सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये जो खट्टी चीज़ होती है उनके लिए फायदेमंद नहीं होती, उनको और जोड़ों में तकलीफ हो सकती है, उनको नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, जिन लोगों को एसिडिटी होती है, अब आप ऊपर से नींबू पियेंगे तो आपको एसिडिटी बढ़ सकती है। तो मित्रों, नींबू अगर आप सेवन करते हैं तो जिनको एसिडिटी होती है वो नहीं लें। अब आप पूछोगे कि शर्मा जी कभी भी नहीं ले सकते हैं क्या, बिल्कुल बंद करना है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को एसिडिटी की ज़्यादा तकलीफ है, फिर वो नींबू में सेंधा नमक मत मिलाइए। आप उसमें जो खड़ी शक्कर आती है, जिसको मिश्री कहते हैं, धागे वाली मिश्री आती है, आप वो मिला लीजिए उसमें नींबू पानी में, और कम मात्रा में आप उसको पिए, कभी कभी पिए, महीने में एक दो बार पी लिया तो उससे आपको एसिडिटी में भी रिलीफ मिल जाती है। फिर एक ऐसा प्रयोग जो हमने हमारे गुरुदेव से सीखा है कि जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, लेटरिन में जिनको ब्लड आता है, वो लोग दूध ले लीजिए। आप लगभग एक गिलास के आसपास, एक गिलास आप दूध ले लीजिए। दूध में आप आधा नींबू, नींबू को काट करके आप उस दूध को, दूध ज़्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, दूध जो है हल्का गुनगुना होना चाहिए, बहुत हल्का गुनगुना होना चाहिए, उस दूध में आप नींबू को निचोड़ दीजिए और उसको फटने से पहले आप पी लीजिए। जैसे ही गिलास में दूध लिया आपने जो है, उसमें नींबू निचोड़ लिया और तुरंत आप उसको पी लीजिए, 1 सेकंड की भी आपको देर नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि वो दूध आपको 3-4 दिनों में आपको धीरे 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 फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके जो लेटरिन में ब्लड आना है, पाइल्स की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, वो बिल्कुल आपको 3-4 दिन में ही आपको फर्क आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे बहुत राहत मिलेगी आपको, बहुत तकलीफ होती है इस बीमारी में। तो हमने देखा कि कई सारे इसके फायदे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग एक प्रयोग और भी करते हैं, हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, देखते भी हैं, कि जिनको वजन कम करना है, वो लोग जो डाइटिंग करते हैं, वो लोग अक्सर नींबू पानी पीते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आप गुनगुने पानी में, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, गुनगुना पानी में आप एक नींबू का रस निचोड़ लीजिए, फिर आप उसमें 1 चम्मच आप शहद मिला लीजिए और सुबह मॉर्निंग में, वैसे आप ये जनरल प्रैक्टिस है, आप बहुत सारे लोग इसको पीते ही हैं, 15 से 20 दिन आप पिए, फिर आप स्टॉप कर दें, फिर 15 से 20 दिन पिए, इस तरह से आपका वजन कम करने में भी ये बहुत सहायता करेगा। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को जरूर बताएं। हम बहुत जल्दी इसी प्रकार की अच्छी और सटीक स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां आपके लिए लेकर के आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।